क्षेत्रीय कला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने तैराकी में छोटी उम्र के कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। प्रभात राजू कोहली एक भारतीय तैराक है जिसने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है एवं उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेजनिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया। यह पुरस्कार भूमि, महासागर और वायु की ओर यात्रा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सर्वत्र शिवाजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। प्रभात राजू कोहली व्यक्तिगत जानकारी। जन्म नाम प्रभात कोहली, राष्ट्रीयता भारती। जन्म 27 जुलाई 1999, नेरलू, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। खेल तैराकी है। प्रभात राजू कोहली पिछले 5 वर्षों में प्रभात राजू कोहली ने अपने पूरे भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, जापान, स्कॉटलैंड, स्पेन, कैलिफोर्निया, हवाई और न्यूयॉर्क में मैराथन में तैरते हुए चैनलों पर रिकॉर्ड कायम किए। कोहली 3,000 ओपन वाटर स्विमिंग जिताने वाले दुनिया के सबसे छोटी उम्र के तैराक है। एक युवा तैराक के रूप में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 81 किमी भारत के राष्ट्रीयता ओपन वाटर स्विमिंग प्रतियोगिता सरसी के इसले के चारों ओर 66 किमी अंग्रेजी चैनल के पार 34 किमी केपडाउन दक्षिण अफ्रीका में केपडाउन में 8 किमी लैंगबेन स्विमिंग रोबन से 7.4 किमी की दूर पर पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका में ब्लॉकबर्ग में द्वीप, दक्षिण अफ्रीका में लेंडुडनो से कैंपस से तक 8 किमी, कैलिफोर्निया में केटलिना चैनल के 32.3 किमी उपाधियाँ। 53 काउंट ऑफ ओपन वाटर के सबसे कम उम्र के तैराक। सरसी के फ्रांस तक तैरने वाले पहले एशियाई तैराक है। जर्मनी से स्विट्जरलैंड में तैरने वाले पहले एशियाई तैराक है। दक्षिण अफ्रीका में लेंडुनो से कैंपस में तक तैरने वाले सबसे कम उम्र में तैराक है। प्रभात कोहली दक्षिण अफ्रीका में केपडाउन तट के किनारे तैरने वाले पहले तैराक है। प्रभात कोहली अनाकापा में मुख्य भूमि में तैरने वाले पहले एशियाई तैराक है। आपको वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना।